मित्रों, अगर लद्दाख में कहीं घूमने फिरने की बात करें तो सबसे पहले आपके मन में जो स्थान आता होगा ना याद, वो है ये। जी हाँ, यह है पेंगोंग लेक। अब इसकी खासियत यह है कि अपना कलर चेंज करती है, जैसे दिन में सूरज उगेगा और शाम को ढलेगा और रात को जो है मून निकलेगा ना, तो उसका सबका असर इस पर पड़ेगा, उसी हिसाब से इसका कलर चेंज होगा। जैसे अब ये फ़िलहाल उधर ब्लू कलर में है, इसके बाद कुछ और कलर हो जाएगा। अब ये है कुल करीब 135 किलोमीटर लंबी, जिसमें ये भारत में है करीब 45 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर जाती है ये उधर तिब्बत में। और तिब्बत है भैया, वहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, उधर कहीं होगा चाइना, तिब्बत है ओरिजिनल तो वैसे, ठीक है। अब हमारा भी सपना था भैया कभी कि पेंगोंग लेक घूमेंगे, तो ये हमारा आज सपना यहाँ पर पूरा हो गया। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी ना, वहाँ पर जो लास्ट का सीन है वो इसी पेंगोंग लेक के पास शूट हुआ है। उधर आपको शायद दिख रहा होगा, वहाँ पर स्कूटर जो था ना मूवी में, और उसके कैफ़े वगैरह वहाँ पर कुछ बने हुए हैं। तो आप भी आइए। मित्रों, आपने जो है चाइनीज़ मूवी तो देखी होगी ना, चाइनीज़ फिल्में, उसमें वो जो एक्शन दिखाते हैं कुंग फू वाले, और एक तरह से आवाज़ निकलती है ना जो एक्शन के टाइम, जैसे फू फा बुआ वाली, तो भैया चाइना में जो एक तरह से कुंग फू सीखना सबके लिए अनिवार्य है, मान सकते हैं आप। और वहाँ के सैनिक तो ज़रूर सीखते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्री के साथ उनकी सीमा लगती है, और जहाँ सीमा उनकी नहीं भी लगती ना, वहाँ भी सूत्रे जो पहुँच जाते हैं कि हमारा यहाँ पर ज़मीन है। तो ऐसे जो है वो भारत के पास आ गए कि जो है हम पर तो कुंग फू आते हैं, सब आते हैं, हम जाएंगे भारत की ज़मीन कब जाएंगे और सब सेटल हो जाएगा। तो यहाँ गलवान घाटी में और पेंगोंग लेक के आसपास वो जो है एंटर करने लगे भारतीय सीमा में, तो भारतीय सैनिकों ने समझाया कि भाई ये हमारी सीमा है, हमारा बॉर्डर है ये, आप जो है यहाँ से जाओ। अब चाइना जो है सैनिक जो है अपनी मस्ती में थे, वो सोच रहे कि हम तो इन्हें मारेंगे और भारतीय ज़मीन कब जा लेंगे, उन्हें सच्चाई कहाँ पता था। भारतीय सैनिकों ने बार बार समझाया कि यार ये भारत की ज़मीन है, चले जाओ सूत्रों, और नहीं मारते मारते भूस भर देंगे। अब जब नहीं माने ना वो चाइनीज सैनिक, एंटर करने लगे भारतीय सीमा में, और जो भारतीय सैनिकों ने उनको मारा ना, उनकी रेल बना दी और मारते मारते पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है। वो सब भूल गए चाइनीज़ की हम पे जो है कुंग फू आते हैं या एक्शन आते हैं, सब भारतीयों के सामने जो है वो उनका सब फेल हो गया, क्योंकि भारतीय सैनिक भैया ट्रेनिंग ही ऐसी होती है उनकी, हर मौसम वो सह लेते हैं और काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, बलवान होते हैं। तो उनके सामने चीनियों की एक ना चली और मारते मारते जो है उनको ऊपर रवाना कर दिया। और हाँ, एक बात देखिए कि गलवान घाटी में जो हुआ था ना 2020 में, तो भैया भारतीय सैनिक जो है 20 शहीद हुए थे, तो भारत ने जो है मान लिया कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, तो उनको सम्मान के साथ उनके नाम जो है उजागर कर दिए, क्योंकि हमारे भारत के जो है सैनिक अपने देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, उनको वो सम्मान यहाँ पर मिलता है। लेकिन चाइना में क्या हुआ भाई साहब, कई महीने तक उन्होंने जो है स्वीकारा ही नहीं कि हमारे कुछ सैनिक मरे भी हैं या नहीं, और कुछ महीने बाद उसने बताया कि सिर्फ 4 सैनिक मरे थे हमारे, जबकि जो विदेशी मीडिया होती है ना, और काफ़ी सारे अखबारों ने, न्यूज़ चैनल ने जब बाद में जांच पड़ताल की तो पता चला कि 40 से ज़्यादा उनके सैनिक मारे गए थे। अब आप सोचिए यार कि जो अपने सैनिकों को शहीद का दर्जा ना दिला सके, मतलब उनकी शहादत को स्वीकार ना कर सके कि वो अपने देश के लिए मरे हैं, तो मतलब कैसा कंट्री होगा यार, कैसी सरकार होगी वहाँ की, चाइना की, जो ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि हमारे सैनिक जो है देश के लिए मरे हैं। उसके बाद जो है वहाँ की जो सोशल मीडिया है, ब्लॉगर है, उन्होंने जो ये मुद्दा उठाना चाहा कि जो है असली संख्या तो बताओ मैं कि कितने मरे चीनी सैनिक, और भैया जिसने भी मामला खोलना चाहा, चाइना ने जो है सबको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो क्या है यार, यही तो अंतर है भारत में और दूसरी कंट्री में, चाइना में, कि भारत स्वीकार करता है यहाँ पर अपने सैनिकों का सम्मान है, वहाँ पर क्या है। जब तुम यही स्वीकार नहीं कर सकते कि सैनिकों ने तुम्हारे क्या क्या है, अब जब उनकी डेड बॉडी वहाँ गई होगी तो वहाँ उन्होंने क्या बताया होगा कि वो कैसे मरे, उनके घर के मांग कर रहे थे कि उनको जो है सम्मान दिया जाए शहीद होने का, लेकिन चीनी सरकार ने उनको नहीं दिया। भैया तभी तो कहते हैं भारत महान है, ऐसे थोड़े ही, यही तो अंतर है अपने भारत और चाइना में, यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक है और वहाँ पर जो है अलग ही सरकार चलती है। सच में यार मैं सोच सोच के वो हो रहा है मुझे कि
कैसी सरकार, कैसा दिमाग होगा उनका। भाई एक सैनिक है, किस लिए लड़ता है? वो अपने देश के लिए लड़ता है ताकि जो है अपने देश की रक्षा कर सके और वीरगति होने पर जो है उसको वो सम्मान मिल सके। लेकिन जब उसी से तुम उसको वंचित कर दोगे तो फिर क्यों जाएगा आदमी, मतलब किसी उसमें क्यों वो अपनी फोर्स ज्वाइन करेगा अपने देश के लिए? क्योंकि सैनिक मांगते ही क्या है भाई, उनकी सैलरी भी कम होती है, सब कुछ कम होता है बेचारे। इतने हाई एल्टीट्यूड पे जैसे अपना सियाचिन है वहाँ पर वो जाते हैं, अपने सैनिक सब कुछ सहते हैं, किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए भाई। कोई किसी को कितने भी रुपए दे दे, और जैसे हम यहाँ आए ना लद्दाख में, भाई साहब आते आते हमारी हालत ख़राब हो गई। इतने हाइट, जैसा अब मैं बोल रहा हूँ तो सांस भी मेरी फूल रही है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, ये 4300 मीटर के आसपास है, और सियाचिन में तो और भी ऊंचाई पर है। आते आते जो है बाइक से हम आए, आते आते हालत ख़राब हो गई, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हुई, और वो तो बेचारे इतनी ऊँचाई पर रहते हैं। तो सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। तो हमारे यहाँ उनको सम्मान मिलता है, पूरा देश का हर युवक भारतीय सैनिकों को सम्मान करता है। हम जब आ रहे थे तो हमने भी जब ट्रकों को देखते थे आर्मी के अपने, तो सैल्यूट करते थे क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में जो है भक्ति भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है। लेकिन चाइना में क्या है भाई, एक लड़ाई कोई हो, युद्ध हो, उसके पीछे मोटिवेशन होता है, जैसे कि भाई क्यों लड़ रहे हैं हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। पर जब चाइना में उनको सम्मान ही नहीं मिल रहा है तो उनके तो जीवन व्यर्थ है, फिर जब वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। खैर चाइना की क्या बात करनी यार, यहाँ पर ये लद्दाख है, पेंगोंग लेक देखिए आप इधर। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये हमें डराना चाहते, इन्हें लगता है कि 1962 का भूत आज तक हमारे अंदर, जो कि है नहीं, राइट? यस सर।